जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं? आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। माँ सभी को अपने चरणों में स्थान दे और अपनी सेवा करने का मौका दे। मैंने माँ काली को कैसे पाया कि सीरीज मैं चला रही हूँ और आप उन वीडियो को देख रहे हैं और आपको बहुत सारा ज्ञान उनसे मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हीं वीडियो पर आप मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं, आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो एक एक कमेंट का एक एक करके जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप सभी के कमेंटों को लिखती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ और रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के सेम क्वेश्चन होते हैं। अब उसी का जवाब बार बार देना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोगों के जवाब मैंने अपने पिछले वीडियो में दिए थे, जिससे बहुत लोगों को जवाब मिले, और जिन लोगों के प्रश्न रह गए थे उन्हें मैं अब जवाब दे रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो। और मैंने माँ काली को कैसे पाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ ही लोगों के प्रश्न लिए हैं, जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और आपके जो भी प्रश्न हैं मुझे कमेंट में बता दिया करें, तो मैं उसको वीडियो बना के जवाब दूंगी, तो बहुत लोगों को एक साथ जवाब मिल जाएगा। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरे पास विश्वेश्वर भट्टाचार्य जी का। ये कह रहे हैं, जय माँ आदिशक्ति, मेरा नाम विश्वेश्वर भट्टाचार्य है और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मुझे जानना है कि मंत्र जाप करते समय बॉडी में वाइब्रेशन क्यों होता है, कभी कभी गलत विचार भी आते हैं। मुझे ये भी जानना है कि मंत्र जाप करते टाइम मेरा हेड हमेशा फ्रंट साइड में झुक जाता है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, सुनिए बाप, मंत्र जाप करते टाइम बॉडी में वाइब्रेशन क्यों होता है? बॉडी में वाइब्रेशन होता है मंत्रों की ऊर्जा के कारण। मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं और एक प्रचंड ऊर्जा इनमें से निकलती है जब आप लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। ये आपके आसपास एक ऑरा बना देते हैं जिसके कारण आपको वाइब्रेशन होती है। दूसरी चीज़, हमारी शरीर में 7 चक्र होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 7 चक्र होते हैं। तो जब हम मंत्रों की ऊर्जा के कारण सातों चक्र एक्टिव होते हैं, मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो हमें अलग अलग अनुभव होते हैं। जिस चक्र के जैसे अनुभव होते हैं वो हमें होते हैं, बॉडी में झटके पड़ना और ध्यान में ऐसा लगना जैसे हम ऊपर की तरफ उठ गए हैं, या फिर रोंगटे खड़े होना, सर में दर्द होना, अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे कि कई लोगों को झटके भी पड़ते हैं मंत्र जाप के दौरान, तो वो कब पड़ते हैं? देखिए, जैसे पानी का पाइप होता है उसमें बहुत प्रेशर से पानी जाता है, लेकिन अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए, बीच में कचरा फंस जाए पाइप में, तो पानी रुक जाता है और झटके से प्रेशर मारता है। सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम ध्यान में होते हैं और जब हम मंत्रों का जाप करते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में कहीं ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, तो वो झटका पड़ता है एकदम से। तो ये सब होता है मंत्रों की ऊर्जा के कारण। लेकिन कई लोग क्या समझते हैं कि ये हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमें सवारी आ रही है। नहीं, वो सवारी के अनुभव नहीं होते हैं, वो मंत्रों की ऊर्जा के अनुभव होते हैं। उसके बाद आप पूछ रहे हैं गलत विचार। हाँ, जब हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो जब पॉजिटिव चीज से टकराती है तो उसको कष्ट होता है। मंत्रों की ऊर्जा से जब नेगेटिव चीज़ पर मार पड़ती है तो उसको तकलीफ होती है, तो वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है कि ये अपनी पूजा पाठ से हटे। तो उसी टाइम पे आपके साथ आपको गलत विचार आएंगे, आपके फैमिली मेंबर कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपका माइंड जो है पूजा से हटेगा। तो ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण होता है। तो आप लगातार पूजा करते रहें तो उससे क्या होगा, ये नेगेटिविटी जो है ना धीरे धीरे मंत्रों की ऊर्जा के कारण खत्म हो जाएगी। गंदे विचार आते हैं तो मुंह से मंत्र जाप करने की जगह मन ही मन में विचार करें, क्योंकि गंदगी अंदर है हमारे। तो जब आप मानसिक जाप करेंगे तो अंदर ही अंदर मंत्रों की ऊर्जा बनेगी, तो वो धीरे 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 एक जब दिव्य प्रकाश मंत्रों का बनेगा, अंदर ही अंदर एक ऑरा बनेगा, तो वो आपकी जो नेगेटिविटी है उसको अंदर से जड़ से खत्म कर देगा। ठीक है, हाँ, आपका
हेड हमेशा फ्रंट साइड में झुक जाता है, ये भी मंत्रों के कारण होता है, क्योंकि जब लगातार मंत्र जाप होता है तो शरीर शून्य हो जाता है, शून्य अवस्था में चला जाता है, तो हम मंत्र जाप करते करते इस तरीके से हो जाते हैं, और फिर हमारा मन ही नहीं करता कि हम मंत्र को जाप करें, बस शून्य हो जाते हैं, ये ध्यान की अवस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पूजा का, पूछ रही है दीदी मैं बैठ नहीं पाती, स्टूल पर बैठती हूँ, तो क्या ध्यान सोफे पर बैठकर और आसन को नीचे पैरों में रखकर ध्यान लगा सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके शरीर में तकलीफ है और आप बैठ नहीं सकती तो बिल्कुल आप सोफे पर बैठकर ध्यान लगा सकती हैं, लेकिन आपको आसन को पैरों के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर में पीला है तो माँ भी ये चीज़ जानती है। अगला प्रश्न है महेश का, एक मिनट मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं अभी बोले देती हूँ। जो लोग भी मेरे पास समस्या लेकर आते हैं, ठीक है, और जिनको आराम पड़ता है, तो वो फिर बाद में मुझसे कहते हैं कि दीदी आप अपना गूगल पे या हमें फ़ोन पे का नंबर दे दो, हम आपको पैसे देना चाहते हैं। देखो, पैसे लेना तांत्रिकों का काम है, तंत्र में पैसा लिया जाता है, तंत्र में वो आपका काम करके देते हैं तंत्र के द्वारा, और फिर वो पैसा लेते हैं, लेकिन मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मेरे पास माँ की शक्तियाँ हैं, और माँ ने जो मेरे को शक्तियाँ दी हैं जिससे मैं लोगों का काम कर पा रही हूँ, ऐसी कृपा है माँ की कि माँ लाज रखती है, जो चीज़ जिस बच्चे को जो बोल देती हूँ वो हो जाता है, ये माँ की असीम कृपा है, तो जब इसमें मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं पैसे किस चीज़ के लूँ, ये सब कुछ माँ का है, तो जो बोलते हैं कि हमें देना है मैं कहूँगी बिल्कुल मत, तो मैं पैसे नहीं लेती, और जब तक मैं ये चीज़ें निःशुल्क कर रही हूँ मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी माँ है, अगर मैं ये चीज़ें एक समाज कल्याण के रूप में करूँगी तो मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी, लेकिन अगर मैं यही लालच लेके आप लोगों से पैसे लूँगी तो ये फिर गलत है, बहुत गलत है। आप किसी के भी पास चले जाना, वो बिना पैसे में आपसे बात भी नहीं करेगा, लेकिन मेरे यहाँ मैं हर चीज़ फ्री में करती हूँ, चाहे वो किसी की प्रॉब्लम हो, किसी को संकट हो, उतारा हो, कुछ भी हो, मैं कभी पैसे नहीं लेती, खुद के लिए मैं कभी पैसे नहीं लेती, मुझे कोई बोलता भी है तो मैं बोलती हूँ कि आप माँ का श्रृंगार भेज दो, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो, क्योंकि माँ का श्रृंगार माँ ही पहनेगी, उसमें मैं भी यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए, और भोग प्रसाद दे दो, मैं अपने लिए कभी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, माँ की कृपा है बहुत है, नहीं चाहिए। हाँ, भविष्य में मंदिर निर्माण का एक सपना देखा है मैंने, माँ काली का एक भव्य मंदिर मैं बनवाऊंगी, जिसमें मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत लगेगी, तब मैं आपसे हक से मांगूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, उस मंदिर में बैठकर संकट आपके कटेंगे, उतारा आपका होगा, गुरु दीक्षाएं आपको दी जाएंगी, दर्शन आपके होंगे, तो वो मंदिर मेरा नहीं सबका होगा, तो अगर उस मंदिर निर्माण में एक ईंट भी आपके पैसों से लगेगी तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं जो अभी से ही जो कमा रहे हैं अपना खुद का, वो बोलते हैं कि गुरु माँ हम मंदिर निर्माण में आपके लिए सहयोग करेंगे, तो आप मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मंदिर निर्माण में आप जितना हो सके दीजिएगा, बाकी मैं लोगों की सेवा निःशुल्क करती हूँ, करूँगी और करती रहूँगी हमेशा। ठीक है, तो मुझे लालच मत दिया करिए पैसों का, मैं पैसे वैसे नहीं लेती, हाँ माँ का श्रृंगार ज़रूर आप मुझे दे सकती हैं, जिसके लिए मैं कभी मना नहीं करती। आगे प्रश्न ले रही हूँ मैं महेश का, ये कहना है माता काली का बीज मंत्र क्या बिना गुरु के जाप कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और आया था कि माता काली का मंत्र हम घर में बैठ के कर सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीज मंत्रों का जाप आप बिना गुरु के कर सकते हैं, गुरु की आवश्यकता तब होती है जब हम कोई प्रचंड साधना करते हैं जिसमें हमें नुकसान हो सकता है, उसमें गुरु की आवश्यकता होती है, ये बीज मंत्र बड़े एकाक्षरी होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो आप बिना गुरु के कर सकते हैं, ये आपको लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है अक्षित साहिनी का, बोल रहे हैं आपकी आकर्षण शक्ति बहुत अधिक है, जय माँ काली। देखिए, आकर्षण शक्ति बहुत अधिक है, इसको बोलते हैं ऑरा। ठीक है, मेरा ऑरा मजबूत है, और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको देखकर
आपको प्रसन्नता होती है, भले ही आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है, और आपको मन करता है कि कितना तेज है इसके चेहरे पर। समझ जाइए उस व्यक्ति का ऑरा मजबूत है और उस पर उसके इष्ट की कृपा है। तो ये जो आप आकर्षण शक्ति देखती हैं, ये मंत्रों के प्रभाव से होती है। जब देवीय शक्तियाँ आप पर कृपा करती हैं तो आपका ऑरा मजबूत होता है, आपके चेहरे पर भक्ति का तेज आता है। आप मुझे ही नहीं, आप बड़े बड़े संतों को देख लीजिए जो कभी कुछ चेहरे पे यूज़ नहीं करते, नॉर्मल पानी से मुंह धोते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे इतना दिव्य तेज कि उनको देख लो या किसी देवता को देख लो। ठीक है, तो ये जो तेज होता है ना, ये भक्ति का तेज होता है, आपके अंदर भी आ सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मंत्रों का जाप करिए, सात्विक रहिए, जुबान से भी और मन से भी, तो ये तेज आपको भी प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बड़ा विचित्र सा प्रश्न आया मेरे पास, और एक नहीं दो तीन आए। रमनजीत कौर, हाँ प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ जाए, ऐसा क्या करूँ मैं? माँ काली संकट काटने का काम करती है, लोगों को मनवांछित जो कामना रहती है वो देती है। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलती कि कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरे माँ बाप खुश रहें, भाई बहन खुश रहें, या माँ उन पर कृपा करे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप तो बॉयफ्रेंड के लिए मांग रही हैं, बॉयफ्रेंड वापस आ जाए। अब जो चला गया उसको वापस ला के करना क्या है, है कि नहीं? लेकिन मैं क्या बोलूँ, कलियुग और संसार में फंसे व्यक्ति हैं आप। ये चीज़ें अभी मैं कुछ बोल लूँगी तो बुरी लग जाएगी, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती। हाँ, माता काली के व्रत करिए, 9 शनिवार के व्रत। जिसने अभी तक जो इच्छा की है, जो कामना रखी है, वो माता काली के 9 शनिवार के व्रत से पूरी हुई है। और ये मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने किए हैं, और जिनको बताए हैं उनका अभी बेड़ा पार हुआ है माँ काली के 9 शनिवार के व्रत से। ठीक है, तो माँ काली के 9 शनिवार के व्रत करिए, काली चालीसा का पाठ करिए सुबह और शाम। अगला प्रश्न, कोई एजी करके हैं, इनके बड़े एक ही प्रश्न बार बार मेरे पास आता है इनका, कि माँ आपकी सवारी कब देखने को मिलेगी, प्लीज मेरा भी प्रश्न ले लो। हाँ, मैंने आज आपका प्रश्न ले लिया है, और आपको सवारी मुझे नहीं पता कब देखने को मिलेगी, क्योंकि कैमरे के सामने ढोंग प्रपंच नहीं होता। क्योंकि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो मेरा दरबार चलता है ऑनलाइन, माँ काली का जो दरबार चलता है, उनकी बेटी का जो दरबार चलता है ऑनलाइन, यहाँ ढोंग दिखावा नहीं होता, ना किसी से पैसे लिए जाते हैं, ना लोगों को आकर्षित करने के लिए सवारी आने का झूठा नाटक किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे साथ जो शक्तियाँ हैं और जो मेरी माँ काली है, परछाई की तरह साथ रहती है, परछाई की तरह माँ साये की तरह मेरे साथ रहती है और अदृश्य रूप में काम करती हैं। तो सवारी जैसा, ये मैं ये नहीं बोल रही कि सवारी नहीं आती, आती है, लेकिन जिनको हर कभी सवारी आती है, कैमरे के सामने सवारी आती है, माँ काली को इतनी फुर्सत नहीं है। अब यूट्यूब पर 1000 चैनल हैं जिनको सवारियाँ आती हैं, यूट्यूब पर आती हैं, बड़ी ऑनलाइन सवारियाँ आती हैं, तो मुझे तो ये कुछ समझ में आता नहीं है। हो सकता है भाई उनकी भक्ति अलग लेवल की हो, लेकिन मेरी थोड़ी अलग लेवल की है। ठीक है, आज फटाफट से प्रश्न ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, और आप लोगों ने मेरी आंखों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ट्राई मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, करूँगी, क्योंकि अभी डॉक्टर को दिखा लूँ एक बार, इस आँख में बहुत प्रॉब्लम आ गई, पूरी रेड हो रखी है पूरी, बहुत ज़्यादा। चलो फटाफट से, एक बच्ची का प्रश्न आया था, दीदी घर में बकरे की बलि चढ़ती है तो क्या, नहीं एक मिनट, दीदी घर में बकरे की बलि चढ़ती है तो मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, तो क्या मैं खा सकती हूँ? वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ, छोड़ दिया है, पर खाने की इच्छा पता नहीं क्यों होती है। माता काली को बकरे की बलि चढ़ती है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर माँ की सेवा करती हैं और बकरा खाना चाहती हैं तो खूब खाइए, क्योंकि आप बकरा क्या, आप इंसान को भी मार के खा जाओगे तब भी माँ काली आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, उसका हिसाब तो ऊपर होगा ना।
माँ काली तो आपसे ये नहीं बोलेंगी, अरे तूने बकरा क्यों खाया, मुझे बकरे की बलि क्यों दी, वो तो कभी कुछ नहीं। आप इंसान को भी मार के खा जाओगे तब भी माँ आपसे कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि जो कर्म होते हैं ना कर्म, जब तक बुरे कर्म हमारे निकल नहीं जाते तो अच्छा टाइम हमारा आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या बोलूँ, मैं तो थक चुकी हूँ समझा समझा कर माँ काली को बकरे की बलि। एक और प्रश्न आया था मेरे पास, उसका जवाब मैं इसके साथ में ही दे देती हूँ, हो सकता है वो चीज़ तुमको समझ में आ जाए। संकुल साइनी का था, दी समझ नहीं आ रहा, आप बोल रहे थे कि सभी माँ के बच्चे हैं तो माँ अपने बच्चों को कैसे खा सकती है, लेकिन आपने अपने दूसरे वीडियो में कहा कि माता के तामसिक भोग होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने माता काली के तामसिक भोगों के बारे में चर्चा की थी। अब मैं तुमको ये चीज़ समझाती हूँ और इसको तुम भी समझने की कोशिश करना, जिसने मुझसे ये बकरे खाने की बात कही थी। देखो, माता काली के होते हैं सात्विक भोग, लेकिन ईश्वर जो है ना, ईश्वर माँ काली हो कोई भी हो, हमारा ईष्ट, कोई भी ईष्ट से आना है, आप लोग मुझे ईष्ट के वीडियो की बोल रहे थे, मैं जल्दी बना के दूंगी, फिलहाल मैं लौट के आती हूँ इस पर, कि ईश्वर जो है ना वो निराकार होता है। निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। ठीक है, तो जैसे पानी होता है ना, पानी, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी को आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी का रूप ले लेगा। लोटे में डाल दो, पानी लोटे का रूप ले लेगा, थाली में रखो, थाली का रूप ले लेगा। इसी प्रकार ईश्वर होता है, इसी प्रकार हमारी माँ काली है, वो निराकार है। अगर आप उनको हलवा पुड़ी से पूजोगे तो हलवा पुड़ी पर चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सात्विक रूप से माँ बन के साथ चलेंगी, लेकिन यहीं आप उनको मांस, मदिरा, शराब, दारू ये सब दोगे तो उस पर भी चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ। लेकिन दारू पीने वाला व्यक्ति, मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, मदमस्त, तामसिक प्रवृत्ति निकलती है उसमें से, क्रोध। हलवा पूड़ी से जब माँ को पूछते हैं तो माँ हमारे साथ एक बच्चे की तरह हमको ट्रीट करती है, सौम्य रूप से माँ हमारे साथ चलती है, हमारी हजार गलतियों को माँ माफ करती है। लेकिन अगर आप माँ को मांस मदिरा दे रहे हैं, स्वयं भी इसका सेवन कर रहे हैं, तो माँ उग्रता के साथ चलती है, प्रचंड रूप लेके। काली तो जागृत है, शमशान में भी पूछी जाती है, लोग बलि देते हैं, कमेंट नहीं आते मेरे पास भर भर के, दीदी हमारे परिवार में किसी ने काली की चौकी छोड़ दी। तो अगर माँ सबका भला कर रही है तो वो काली की चौकी बुरा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? ये बलि के कारण है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको चलाया है इसी रूप से, तुमने सिद्ध कर लिया उसको इसी रूप में बलि से। इसलिए ये जो तामसिक चीजें होती हैं, ये असर बहुत जल्दी करती हैं, लेकिन इसका अंत उतना ही बुरा होता है। सात्विक चीजें धीरे काम करती हैं, परमानेंट काम करती हैं। अगर आप माँ काली को बलि के रूप में पूज रहे हैं और अगर उनकी, अगर वो तामसिक रूप में आपके साथ चलती हैं, माँ तामसिक रूप में अगर आपके साथ चलती हैं, उग्रता के साथ आपके साथ चलती हैं, शमशान और भद्रकाली बनकर आपके साथ अगर माँ चलती हैं मांस मच्छी का भोग लेके, तो वो अपनी सेवा में जो आप गलतियां करोगे उनकी सेवा में, तो आपको तुरंत दंड मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि काली की पूजा कर रहे तो लेने के देने पड़ रहा है, समझे? लेकिन यही आप सात्विक रूप से हलवा पूरी, चना वना, इस तरीके का भोग माँ को लगाओगे तो माँ स्वामी रूप में साथ चलती है, कोई उग्रता नहीं है, कोई प्रचंडता नहीं है, लेकिन मांस मदिरा में वो उग्र बन जाती है, प्रचंड बन जाती है वो अपनी सेवा में। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि जब माँ काली को आप बकरे की बलि दे रहे हैं, मांस मच्छी का भोग लगा रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, तो माँ के साथ जो योगिनी चलती है वो भी उसी पर चलेंगी, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो जब कोई सेवा में गलती होती है तो माँ काली की तो बहुत बाद में एंट्री होती है, उनकी जो योगिनियाँ रहती हैं वो जीना मुश्किल कर देती है, नाकनी, शाकनी, पिसाचनी, ये सब। अब आप देख लीजिए आपको मांस पनीर खाना है या नहीं, आपको माँ को माँ की तरह लेकर चलना है या तामसिक शक्ति के रूप में लेकर चलना है, समझ रहे हैं आप? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। माँ बलि नहीं लेती, माँ तो आप अपने आप को भी मार के माँ के सामने रख दो कि तब भी माँ आपसे कुछ नहीं बोलेगी, माँ सिर्फ देखती है।
आपके कर्मों, माँ ने सबको बराबर बुद्धि दी है, सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। माँ बलि नहीं मांगती, माँ कहती क्या मुंह से, बता दो किसने कहा कि माँ काली ने कहा कि हमें बलि दो बकरे की, या माँ ने कहा कि हलवा पूरी दो। माँ को तो हलवा पूरी भी नहीं चाहिए, माँ को तो बलि भी नहीं चाहिए, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक ही चीज लेके बैठ जाऊंगी तो दूसरों के प्रश्न में ले नहीं पाऊंगी। सीधी सी बात यह है कि माँ काली बलि नहीं लेती हैं, उनकी जो सात्विक शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां उनके साथ चलती हैं, तामसिक शक्तियां, वो बलि लेती हैं। लेकिन अगर आप उनको बलि देते हो तो ही वो आपसे बलि मांगेंगी। एक बार मांस का भोग दे दिया, दूसरी बार मांस का ही भोग मांगेंगी, नकारात्मक शक्तियां। इसलिए कहते हैं काली को सात्विक रूप से पूजो, क्योंकि जब माँ काली ही शुद्ध सात्विक रूप से चलेगी तो उनकी योगिनियां भी सात्विक रूप से चलने पर मजबूर हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप। अब आप देख लीजिए आपको माँ को सात्विक भोग लगाना है या तामसिक भोग लगाना है। अगला प्रश्न प्रीति शर्मा का, दीदी प्याज लहसुन खा सकते हैं या नहीं। कोई दिक्कत नहीं, प्याज लहसुन खा सकते हैं। प्याज लहसुन उन लोगों के लिए मजा रहता है जो साधनाएं करते हैं, सात्विक साधनाएं करते हैं, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। आते तो शाकाहारी में ही है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो कहते हैं जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो एक राक्षस था जो अमृत का पान धोखे से राजाओं का भेष बना के कर रहा था, देवताओं का भेष बना के। तो भगवान विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने उसका शीश काट दिया, तो उसके रक्त की बूंदों से प्याज और लहसुन बने थे। तो ये साधना में विघ्न डालते हैं, लेकिन अगर आप साधना नहीं करते हैं, नॉर्मल गृहस्थी वाले हैं, तो आप बेशक प्याज लहसुन खा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। कोशिश करिए ना खाएं तो और भी अच्छा है, भजन बड़े अच्छे से होगा, क्योंकि प्याज और लहसुन में से बदबू आती है और देवी देवताओं को बदबू वाली चीजें पसंद नहीं होती, ठीक है। एक और प्रश्न, गुरु माँ आपसे बात कब होगी। अनिल कुमार कह रहे हैं, हाँ आप मेरे को कमेंट कर दीजिए आपका प्रश्न, मैं जवाब दे दूंगी, या फिर मैं जब भी फ्री हुई तो मैं लाइव आऊंगी, तब आपसे मेरी बात होगी। इष्ट को कैसे पहचाने, इसका वीडियो अलग से बनाऊंगी, अभी मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ, इसी जल्दी जल्दी प्रश्न ले रही हूँ और शॉर्ट में समझा रही हूँ, बताऊंगी जल्दबाजी में क्यों हूँ। अगला प्रश्न है, और जो लास्ट प्रश्न है मोनू का, बोल रहे हैं देवी जी मेरा नाम कुंदन लाल है और ये करनाल के हरियाणा में रहने वाले हैं, मैं आपको आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करिए। अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, जो जो मेरे से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो, खासकर देखिए गुरु एक बार बनाया जाता है, गुरु बार बार नहीं बनाया जाता। एक बार गुरु बना लिया और गुरु का हाथ अगर तुम्हारे सर पर हो गया तो गुरु आपके साथ कुछ भी कर सकता है, गुरु आपकी शक्तियों को बांध भी सकता है, खोल भी सकता है, आपको बलवान भी बना सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, इसलिए किसी को भी गुरु बनाने से पहले सोचो समझो विचार करो, क्या ये हमारे गुरु बनने लायक है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि हाँ ये गुरु हम बना सकते हैं हम इनको, तो हर किसी को शिष्य नहीं बनाया जाता, ठीक है। परीक्षाएं दोनों तरफ से होती है, गुरु के प्रति समर्पित अगर आप पूर्ण रूप से हो सकते हो, गुरु के बताए मार्ग पर अगर चल सकते हो तो गुरु बनाओ, वरना कोई मतलब नहीं है। अगर आप गुरु बनाना चाहते हो और गुरु बनाने से पहले आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपके भेजे में गोबर भरा हुआ है, गुरु बनाने के बाद भी आपकी सेम कंडीशन है, भेजे में गोबर ही भरा हुआ है, तो गुरु बनाना और ना बनाना एक बराबर बात हो गई ना। गुरु आपको बोल रहा है ऐसा करो, लेकिन आप उसके मार्ग पर चल नहीं रहे, तो क्या मतलब का गुरु, आप उसकी जवान पर लात मार देते हो, उसकी कही बात को लात मारते हो, तो कोई मतलब नहीं है। गुरु की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है वो गुरु की कृपा से आपको मिल सकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, समझिए भगवान का आदेश गुरु का आदेश। एक बार भगवान का आदेश टाल दीजिए, गुरु का आदेश आप टाल नहीं सकते। गुरु के प्रति आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है गुरु को हीरा देने की तो आप गुरु को हीरा दीजिए, गुरु को लालच नहीं है, लेकिन आप कितना समर्पित हैं गुरु के प्रति। गुरु एक बार बनाया जाता है, गुरु बार बार नहीं बनाया जाता, और एक बार बना लिए तो आजीवन वही गुरु रहेंगे। गुरु के प्रति मन में गलत विचार भी पाप, पाप के भोगी हो जाओगे, नरक के भोगी हो जाओगे।
दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगी गुरु का सिस्टम क्या होता है, गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है, गुरु के क्या नियम, दीक्षा के क्या नियम, सारी चीज़ें। ठीक है, फिलहाल तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। जय माँ काली, जय माता दी। फर्स्ट चैनल का नाम है काली माँ की बेटी 2-3। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली।